कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां कंगू बाई रहती है। ओ हो। दोस्तों क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना? दोस्तों फाइनली लगता है बॉलीवुड वालों ने 2.5 किलो बादाम खा ली है और उनको आ चुकी है अकल। जी हाँ, ट्रेलर आ चुका है गंगूबाई काठियावाड़ी का मार्केट में, जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। तो फिर करेंगे डिटेल में बात रिएक्शन के बाद। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगूबाई रहती है। ओ हो। आए हाय हाय हाय, मजा आ गया। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। तुझे क्या लगता है गंगूबाई भूख खाती है? तू मुझे तेवर दिखा रही है। तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। कामाटीपुरा रजियाबाई का था, कामाटीपुरा रजियाबाई का रहेगा। रजिया का नाम सुन सुन के उल्टी आ जाती है। ठान लिए गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक में लेकर ही रहूंगी। लिखो, माँ का नाम गंगूबाई और बाप, बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है। चलो बाप का नाम देवानंद। अरे जब शक्ति संपत्ति सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? सही बात है। ए जी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। डायलॉग है बॉस, मजा आ गया। 25 फरवरी मजा आने वाला इस फिल्म में तो यार। दोस्तों ट्रेलर तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त लेवल का लग रहा है। आलिया भट्ट की एक्टिंग, आलिया भट्ट का स्वैग देखने को मिला इस ट्रेलर के अंदर। यार आलिया भट्ट एक्टिंग के लिए तो जानी जाती है, पर आलिया भट्ट का स्वैग और जो आलिया भट्ट की इसमें पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है, जो कैरेक्टर है उसको इतना तरीके से निभाया है ना, मजा आ गया। आलिया भट्ट की डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त, एक्सप्रेशन जबरदस्त, एक्सेंट जबरदस्त, वॉइस मॉड्यूलेशन कितना जबरदस्त और इतना प्यारा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा। पावरफुल लेवल की जो एंट्री दिखाई है ना यार आलिया भट्ट की, यार जबरदस्त लेवल का यार। जो मतलब यार किस तरीके से मतलब रेड लाइट एरिया में लड़कियों की यार मतलब स्ट्रगल होता है, सब कुछ इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। ट्रेलर में आपको ये देखने को मिला कि यार आलिया भट्ट किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है उनकी शिक्षा दिलाने के लिए, उनके हक के लिए, और फिर पॉलिटिक्स में मैदान में उतरती है, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। विजय राज का रोल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। विजय राज हमको यार मतलब कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए, कुछ सीरियस रोल में भी दिखाई दिए, पर इस बार ट्रांसजेंडर के रोल में बहुत जबरदस्त लग रहे हैं यार। सारे कैरेक्टर बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। अजय देवगन का जो कैमियो है ना, कतई जहर लेवर का, और टोपी लगाकर तो इतने कतई जहर लग रहे हैं, और ऊपर से आलिया भट्ट ने तो पूरा ट्रेलर ही खत्म कर दिया।
स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आलिया भट्ट ने यार खींच के रखा यार। फाइनली मुझे लगता है इस ट्रेलर को देखने के बाद में कि बॉलीवुड वालों को अकल आ गई है, अच्छी खासी बादाम खा लिया, काजू खा लिया, पिस्ता खा लिया और फिर ये फिल्म बनाई है यार। 25 फरवरी को ये फिल्म आ रही है। इस फिल्म को तो सीरियसली दोस्तों थिएटर्स में देखना बनता है, बहुत ज़बरदस्त लेवल वाली फिल्म होने वाली है। ट्रेलर अपने आप में दिखा रहा है कि हाँ वाकई में फिल्म बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जब इस फिल्म का टीज़र आया था तो लोगों ने बोला था कि आलिया भट्ट इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, मतलब परफेक्ट भी नहीं लग रही है। पर जब ये ट्रेलर देखो आप इसके बाद तो आप कहोगे सीटी मार के कि आलिया भट्ट तो ज़बरदस्त लेवल की परफेक्ट लग रही है इस रोल के लिए यार। गंगूबाई काठियावाड़ी का जो रोल है ना, आलिया भट्ट बहुत ज़बरदस्त निभाने वाली है। अगर बात करी जाए आलिया भट्ट की एक्टिंग के बारे में, आलिया भट्ट की एक्टिंग नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। हमने इनको ओवर द पीरियड उड़ता पंजाब में देखा, राजी में देखा, हाईवे में देखा, गली बॉय में देखा, उसके बाद अब गंगूबाई काठियावाड़ी और कुछ दिनों बाद में आ रही है धमाका मास मैग्नम इस साल का RRR, उसमें भी देखने को मिलेगी यार ये फिल्म। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये फिल्म आलिया भट्ट की करियर चेंजिंग फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग लेवल का ट्रेलर, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर और आप लोगों को आज का हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और एक छोटा सा रिमाइंडर, वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना ना भूलें। ये एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है, जो कि अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कुछ कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर से सबसे जो मेन कैरेक्टर है ना गंगूबाई काठियावाड़ी का, जो बहुत ही जबरदस्त लेवल का यार, अजय देवगन का रोल बहुत जबरदस्त होने वाला है। और इस फिल्म को डायरेक्टर इस फिल्म के जो है ना संजय लीला बंसाली है, जो कि इतनी ज़बरदस्त लेवल वाली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में हमें स्पेशली क्या देखने को मिलता है, ग्रैंड लेवल का सेटअप। इस फिल्म में भी आपको ग्रैंड लेवल का सेटअप देखने को मिलेगा। ट्रेलर देख लो, बहुत ज़बरदस्त यार, चकाचौंध करके रख दिया, मस्त लेवल का ट्रेलर। क्या सेटअप बनाया है, क्या डिज़ाइन करी है, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, सब कुछ आपको ज़बरदस्त लेवल का देखने को मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी लेवल बहुत ज़बरदस्त है। म्यूज़िक की तो मैं पर्सनली बात करना चाहूँगा, साउथ इंडस्ट्री वालों के पास है BGM बनाने की मशीन। लगता है संजय बंसाली ने साउथ वालों को फ़ोन करके बोला कि भैया हमारे लिए भी कोई BGM बनाओ यार, ज़बरदस्त लेवल वाला BGM है यार इस बार। मतलब बॉलीवुड की ऐसे कई फिल्म है जिनके ट्रेलर देख के लगता है कि यार क्या लुल टाइप का BGM है, पर इस फिल्म के अंदर BGM बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ट्रेलर देख के तो समझ में आ गया ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। 25 फरवरी को थिएटर में आएगी ना फिल्म। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म बहुत चले और बॉलीवुड को वापस रास्ते पे लाए। बॉलीवुड वाले अगर अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे, हम कर रहे हैं ना पसंद इस जबरदस्त लेवल वाले कंटेंट को। बहुत मजा आया, ऐसे सीरियस इशू पे फिल्में बनाओ, अच्छे कंटेंट पे बनाओ, क्या बार बार क्रिंज कंटेंट बनाते रहते हो, लव स्टोरी इसके अलावा भी बाहर निकलो, बहुत अच्छा कंटेंट है। इसको लोगों को हम सब लोगों को मिलके इस कंटेंट को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों जाइए थिएटर्स में 25 फरवरी को और टिकट बुक कर डालिए फटाफट से जैसे बुक माई शो पे खुलता है, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त लेवल वाली है। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ, आप लोग कौन सा शो देखने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आलिया भट्ट की लुक के बारे में बात करी जाए तो आलिया भट्ट तो क्या कतई जहर लेवल की लग रही है, मतलब मज़ा आ गया। इनका स्वैग देखने को मिल रहा है, इनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, डायलॉग डिलीवरी तो मुझे बहुत पसंद आई। जो उनकी आवाज़ है ना, जो उनका अंदाज है उस एरिया के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त लेवल का लग रहा है यार। स्क्रीन प्रेजेंस आलिया भट्ट का बहुत ज़बरदस्त है ट्रेलर के अंदर, ट्रेलर को मतलब पूरा खींच के ख़त्म कर दिया यार। क्या ज़बरदस्त लेवल वाला एक हीरोइन है यार, मतलब गजब लेवल की हीरोइन यार। न्यू कमर्स और स्टार किड्स में बात करी जाए तो आलिया भट्ट कंपेयर करा जाए ना आजकल के स्टार किड्स से तो आलिया भट्ट नंबर वन पे। सीरियसली मुझे तो बहुत पसंद आती है इनकी एक्टिंग। कई ऐसी फिल्में जिन इन्होंने अच्छी नहीं करी, पर बहुत सी ऐसी फिल्में जो मैं आलिया भट्ट का रोल बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे तो पर्सनली ट्रेलर बहुत पसंद आया। तो आपको भी पसंद आया ना तो लाइक करना, वीडियो को ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हो जल्दी से कर दो भाई के चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।